अगर आपने भी अपना घर बेचा है और उसमें हुआ है आपको लॉस, तो ये वीडियो आपके लिए कि आपको उस लॉस का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है या फिर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं वो लॉस वेस्ट ना हो जाए इनकम टैक्स के पर्पज से। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। रिसेंटली मुझसे एक क्वेरी पूछी गई, जहाँ पर इस क्वेरी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एसएससी ने अपना घर बेचा लॉस में, लेट्स से उसे 5 लाख रुपये का लॉस हुआ, और जब उसने अपनी आईटीआई फाइल करी तो वहाँ पर उसको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था, जो कि था रफली 50,000 रुपीज़। एंड हम सबको ये बात पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक का एग्जेम्प्ट होता है, बट वो 50,000 रुपीज़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो उसने प्रॉपर्टी बेची थी उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ हो गया। इट मीन्स जो उसका लॉस एक्चुअली 5 लाख का था, अब वो नेट ऑफ होके 4.5 लाख का कैरी फॉरवर्ड हुआ, जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लॉस पूरे 5 लाख का कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे एक सिंपल सा रूल था। रूल है कि कोई भी इंटर हेड एडजस्टमेंट होने से पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगी। सो इट मीन्स आपको सेम ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था और सेम ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी था, तो वो आपस में सेट ऑफ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपस में पहले सेट अप होंगे, देन ही जाके कैरी फॉरवर्ड होंगे या फिर किसी और हेड से होंगे, बट हमारे सिचुएशन में लॉन्ग टर्म था तो लॉन्ग टर्म से ही होता है, इस वजह से इस सिचुएशन में सेट अप हो गया। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी लोगों को बताया जाए कहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नो डाउट आपका 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, बट ध्यान रखिए कि एग्जेम्प्शन होने के बावजूद भी आपका पहले सेट ऑफ होगा, देन ही कैरी फॉरवर्ड होगा। तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जिस साल भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, अब ध्यान रखिए कि उस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो सेट ऑफ हो पाएगा। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख 1.5 लाख का हो रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली है आपको, बिकॉज पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से वो सेट ऑफ हो जाएगा। सेकेंडली, आप प्लान भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देने वाले हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो जिस साल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उस साल उन्हें बेच के दोबारा उसी रेट पे बाय कर लीजिए, जिससे कि सेट ऑफ हो जाए आपका कैपिटल गेन और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी वेस्ट ना हो। सो अगर इन्हीं कुछ तरीकों का आप ध्यान रखते हैं तो एक बहुत अच्छी टैक्स सेविंग आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।